हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और मैंने 2-3 दिन से कोई ब्लॉगिंग नहीं की, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। तो अभी बताऊंगी आपको मैं क्या प्रॉब्लम चल रही थी। और अभी हम अभी उठे हैं आज, क्योंकि रात भर सोई नहीं मैं 2-3 दिन से। और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है, कोई काम नहीं हुआ अभी मेरा। तो अभी मैं अब अपना सारा काम शुरू करती हूँ। और आज बहुत ठंडा भी है यहाँ पर, दो तीन दिन से धूप भी नहीं आई थी। तो कल बारिश हुई है और बारिश होने से बहुत ठंड है। आज बहुत दिनों बाद धूप आई है और कल 2 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ पर हल्की फुल्की। अभी भी बादल और कोहरे लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कितना अच्छा लग रहा है बाहर का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन चुका है और नाश्ते में आज मैंने पोहा बनाया है। तो मैं अभी दे के आती हूँ अपने हस्बैंड को और दक्ष को भी। किट्टू भी बैठी हुई है अपने पापा के साथ और वो भी अपने पापा के साथ ही नाश्ता करेगी। दक्ष के लिए नाश्ता मैंने अभी लगा रही हूँ मैं। और आज दक्ष स्कूल नहीं गए हैं, इसीलिए दक्ष का मूड ऑफ है आज स्कूल नहीं जाने से। दक्ष को स्कूल जाना बहुत पसंद है। सब बच्चों को घर में अच्छा लगता है और दक्ष को स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो आज मौसम ख़राब था हल्का, तो मॉर्निंग में इसीलिए मैंने दक्ष को स्कूल नहीं भेजा। इस वजह से दक्ष का मूड ख़राब है, इसलिए नहीं भेजा ना आज। तो अभी हो रहा है गर्म बाबू, सुबह कितना ठंडा हो रहा था, पूरा कोहरा लगा हुआ था बाहर, पूरा बंद था। फिर रात को आप खांस रहे थे तो मुझे लगा थोड़ा कोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से मैंने नहीं भेजा है ना। अब आए तो कर, फिर यहाँ देख के नहीं कर रहे है। अभी मैंने दक्ष को बिस्तर उठाने के लिए बोला था, तो दक्ष अभी बिस्तर उठा रहे हैं और किट्टू भी साथ में खेल रही है दक्ष के। तो यहाँ पर मैं अभी किट्टू को दवाई पिला रही हूँ। किट्टू की तबीयत बहुत ख़राब थी, फीवर था उसको 2-4 दिन से लगातार, तो उसके लिए मेडिसिन लेके आए थे। तो अभी मैं उसको दे रही हूँ, पीती नहीं है, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, दोपहर हो चुकी है और हमारा लंच हो चुका है। और अभी मैंने बिस्तर धूप में डाला था, आज बहुत दिनों बाद धूप आई थी, तो मैं अभी सारा बिस्तर अंदर क्लोज कर रही हूँ बाहर से। किट्टू कभी कभी टॉयलेट कर देती है बिस्तर में। तो फ्रेंड्स, बिस्तर उठा लिया है मैंने सारा, देखिए। आज धूप अच्छी आई थी तो बिस्तर सब सूख चुका है मेरा अच्छे से। और किट्टू और दक्ष गए हैं अपने पापा के साथ शॉप में, कुछ सामान लेना था घर का, कोई सब्जी वगैरह ख़त्म हुई थी, तो मेरे हस्बैंड सब्जी लेने जा रहे थे, तो बच्चों ने भी जिद किया और चले गए दोनों पापा के साथ। और अब मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि आज हमने लंच जल्दी कर लिया था दिन में, तो आज जल्दी चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे भी ठंडियों में तो चाय पीने का मन करता ही है हर समय, तो मैं अभी चाय बनाती हूँ। तब तक किट्टू लोग भी आ जाएंगे शायद। तो फ्रेंड्स, 2 दिन मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि किट्टू भी बीमार थी और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई 2 दिन। किट्टू को 2 दिन बहुत ज़्यादा फीवर था और वो रात भर सोई भी नहीं 2 दिन से, उसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा तबीयत मेरी भी ख़राब हो गई। तो फ्रेंड्स, मेरी चाय बन चुकी है और दक्ष लोग भी आ चुके हैं शायद। आ गए
क्या क्या लेके आया? मम्मा के लिए क्या लाए? मम्मा के लिए क्या लाया? मम्मा के लिए यही है। मम्मा को भी दो। ये लाए और ये लाए मम्मा के लिए। जब अंदर रख के आते हैं फिर सब नहीं निकालते। चलो दो भी। इतना कचर वचर खाते हो दुकान का तुम। शाम हो चुकी है फ्रेंड्स और अभी दक्ष छत में खेल रहे हैं। चलो फिर अंधेरा होने वाला है। शाम हो गई है। मैं चल रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अभी छत में और बारिश से छत में पानी जमा हुआ है अभी। और अभी देखिए बारिश के बाद जब धूप आती है तो मौसम कितना सुंदर दिखाई देता है। और पहाड़ों में देखिए अभी बर्फ गिरी हुई है कई जगहों पर। रात हो चुकी है फ्रेंड्स और मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी बन रही है मेरी, ये है मटर के छिलके और ये है हरा कटा हुआ प्याज। बुखार आया ना? बुखार आया था? नन्ना नन्ना पेपे वो कौन है? हाँ हाय करो तो। बाय बाय बा किसी बा हकु मापा बड़े मम्मा को हक करो बा हक करो। अब बाय बोल दो यहाँ यहाँ बाय कर दो। किट्टू को बुखार आया था ना? नहीं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।